हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस। तो मुझे पता है ये प्रैक्टिस एक दिन डिले हो गई है, बट जो काफी टाइम बाद देख रहे होंगे उनके लिए तो चलो सही है, आज ही मिले होंगे वीडियो में। बट जो वेट कर रहे थे इस वीडियो का, उनके लिए स्वागत है इस वीडियो में। आज हम ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जितने पॉसिबल सिंगल लेक्चर में मुझसे पॉसिबल होंगे क्वेश्चंस लेने में उतने क्वेश्चंस लेने वाला हूं। जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स में, यार मेरे को देर क्यों लग गई, मैं क्योंकि इधर उधर एग्जाम से सब एग्जाम से इकट्ठे कर रहा था क्वेश्चन, सभी एग्जाम का टेस्ट लेना चाह रहे थे हम, इसलिए मैंने उसमें से निकाला है। और आज हम करने वाले, देखो सबसे ज्यादा टाइम पता कहां लगा है इसमें, ये लिखा मैंने प्रैक्टिस, तो इसके स्पेलिंग वगैरह देख के ढंग से लिखा तुम्हारे भाई ने। चलो ये तो हो गया मजाक की बात, लेकिन हम मजाक करते हैं साइड में, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस। तो वैसे ही रूल रहने वाला है कि स्क्रीन पर तुम्हें यहां पर अभी क्वेश्चन दिख जाएगा। सो अब दिख जाएगा तुम्हें क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं कि इन आर टू, देखो यार डिफरेंशियल इक्वेशन की ना मैंने पहले ही सारी वीडियोस बना दी, तो इस वीडियो में मैं जितना भी, इस लेक्चर में मैं जितना भी बताने वाला हूं वो सारा का सारा ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, तो घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हें जाके और वो लेक्चर को देख लेना, प्लेलिस्ट को, ठीक है। मैंने पहले भी दी थी और फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा हुआ फैमिली ऑफ ट्रैजेक्टरीज ऑर्थोगोनल टू दी फैमिली ऑफ एस्ट्रॉइड। अच्छा एस्ट्रॉइड कह रहे हैं हमें, x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इक्वल टू हमें दे रखा है a की पावर 2/3। तो हमें बताना है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, ऐसी ट्रैजेक्टरी जो इसमें परपेंडिकुलर हो। अब भैया परपेंडिकुलर में तो यार हमने एक ही चीज पढ़ी हुई है, परपेंडिकुलर में क्या करते थे, पहले इसकी डिफरेंशिएशन करो, मतलब dy by dx निकालो, फिर उसको रिप्लेस कर दो माइनस dx by dy से, माइनस dx by dy से। हाँ भैया यार ये तो पढ़ी हुई हमने चीज, पढ़ाई थी शायद आपने, हाँ तो बढ़िया। एक काम करो फिर, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा आंसर लिखने के लिए, तुम एक मिनट डस्टर ले ले। हाँ तो आंसर लिखने के लिए सिंपली क्या करो कि इसकी डिफरेंशिएशन कर दो चुपचाप, x की क्या हो जाएगी 2/3, आगे 2/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1/3, और y की कितनी हो जाएगी सेम 2/3 y माइनस 2/3, लेकिन यहां पे आएगा dy by dx और इक्वल टू में तो 0 ही आ जाएगा। बढ़िया मजा आया भैया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट स्टेप क्या करें, 2/3 भी गया और dy by dx को किससे रिप्लेस कर दो माइनस dx by dy से, तो कुछ ऐसा बन जाएगा x की पावर माइनस 1/3 और y की पावर माइनस 2/3 माइनस dx by dy इक्वल टू 0, विच कम्स आउट टू बी, इस पूरे टर्म को उधर भेज दो तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस 1/3 और y की पावर माइनस 2/3 dx by dy। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भैया में आती है, हम dy को उधर भेजें, y वाले सारे एक तरफ, x वाले सारे एक तरफ। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे कि आंसर क्या आने वाला है, dx अपॉन में x की पावर 1/3। ये पता नहीं क्यों 2/3 बन चुका है, बट ये 1/3 था, ठीक है, कुछ घपला तो नहीं कर रहे ना, नहीं यहां 1/3 आना चाहिए था। तो ये आ गया हमारे पास 1/3। बढ़िया, इनको ऊपर क्या कर रहे हैं यार, माइनस भी आएगा यहां, गलती कर रहे हैं। इसको ऊपर दोबारा भेज दो तो y की पावर 1/3 dy इक्वल टू x की पावर 1/3 dx। यार अब तो तुम्हें क्या करना है, अब तो तुम्हें सिंपली डिफरेंस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करोगे तो y की पावर 2/3 4/3 सॉरी, एक मिनट डस्टर ले लें हम अपना। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा y की पावर 4/3 प्लस इज इक्वल टू x की पावर 4/3, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, देख लो फटाफट, प्लस 1 अपॉन में 4/3 अपॉन में 4/3 प्लस में c, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो y की पावर 4/3 माइनस x की पावर 4/3 इज इक्वल टू c की पावर 4/3 एंड दैट इज द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू मी। अब एक बार ऑप्शन भी चेक कर, एक मिनट रुको क्वेश्चन निकाल दूं मैं। हाँ तो ऐसा ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है यार, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर b, तो b इज द फाइनल आंसर, यार ये तो इजी था,
इतना सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करिए। पहला क्वेश्चन है, हाथ भी चलने में थोड़ा सा समय लग रहा है मेरे। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन की सारे रहने वाले हैं तो एक्सपेक्टेशन तो क्या ही रखें भैया क्वेश्चन से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जो कि है dy by dx plus y is equal to f of x, और कहा हुआ हमें x greater than equal to 0। यार ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, थोड़ा सा तुम करना, बट मजा आएगा एकदम तुम्हें, ठीक है। x greater than equal to 0, y 0 पे तुम्हें 0 दे रखा है और fx भी तुम्हें दे रखा है, fx की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये पीस वाइज फंक्शन दे रखा है। तो दो अलग अलग चीजें आने वाली हैं, जीरो से लेके वन तक के लिए टू वैल्यू दी है और जीरो दी है x ग्रेटर देन वन के लिए, ठीक है। इस चीज को एक बार ट्राई कर लो फटाफट। सो कर लो अच्छे से, ट्राई कर लो इसे, मैं भी ऑप्शन देख लेता हूं कि क्या आने वाला है इसका। तब तक तुम इसे ट्राई कर लो एक बार, तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो इसे। जब तक मैं क्वेश्चन को रब करूंगा तब तक का टाइम मिलने वाला है, उसके बाद तो भैया मैं शुरू हो जाऊंगा, तो ध्यान रखो अभी तुम्हें चांस मिल रहा है तो फटाफट कर लो। चलो भैया आ जाओ करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें इसके दो केसेस बनाने पड़ेंगे, पहला ये वाला केस आएगा फिर ये वाला केस आएगा, और बहुत ही इजी है यार, क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास dy by dx plus में y is equal to 2, पहला हम केस कर रहे हैं, x कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक है। तो 2 रखा था हमारे पास, सिंपल है, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर x, सॉरी 1 ही है यहां पर तो, है ना, 1 है तो याद रहेगा, सीधा आ जाएगा dx। अरे भैया यही तो करते थे, y का कोफिशियंट रखते थे e की पावर में, याद रहेगा हमारे पास e की पावर x। दूसरा स्टेप क्या होता था भाई, भैया वो आपने बताया था ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समथिंग समथिंग ऐसा कुछ आता, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैं फॉर्मूला एक बार को लिख ही देता हूं, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में ये जो दिया होता है 2 इंटू dx प्लस में c, फटाफट देख लो इसे, ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू में e की पावर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन 2e की पावर x dx प्लस में c, विच इज y इक्वल टू 2e की पावर x प्लस में c अपॉन में e की पावर x। देख लो मैंने ये वाले e की पावर x को नीचे भेज दिया, सिंपल सा बचा यार, ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 2 प्लस में c e की पावर माइनस x। मेरा तो ये आ रहा है यार 4x ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1। चलो दूसरा पार्ट भी इसका कर लेते हैं, 0 रखो इक्वल टू में, 0 रखेंगे तो ये तो सिंपल से ही बन जाएगा dy by dx प्लस में y इक्वल टू 0। मैं एक बार को देख लेता हूं, वीडियो आ रही है एक सेकेंड, कूल। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy by dx प्लस में y इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी होती है इसमें, dy by dx इक्वल टू माइनस के y, विच कम्स आउट टू बी dy by y इक्वल टू माइनस के dx, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू माइनस के x, है ना, प्लस में c, और ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x प्लस में c, विच इज y इक्वल टू c डैश e की पावर माइनस x। मैंने e की पावर c को और e की पावर माइनस x को अलग अलग कर लिया, यहां तक कोई इश्यू है तो बताओ, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, बढ़िया भैया बहुत अच्छे। अब मेरे को यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है तो मैं इसको रब कर देता हूं, मतलब क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है, मतलब लिखा हुआ थोड़ी सी जगह हमारी घेर रहा है तो मैं इसको अलग कर देता हूं। तो मेरे पास दो अलग अलग आंसर आ चुके हैं और हमें एक बाउंड्री कंडीशन भी दी थी भैया। ये बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन का मतलब होता है, उन्होंने ये भी तो कहा था y 0 पे 0 है ना, तो यहां से c निकल जाएगा, पहले इस वाले का c निकाले तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 प्लस में c e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x में x को 0 पुट करोगे तो खत्म ही हो गया, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो ये वाला सॉल्यूशन मॉडिफाई होकर आ जाएगा कुछ ऐसा, y इक्वल टू 2 प्लस में 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 e की पावर c, विच इज 1 माइनस e की पावर माइनस x। गर्मी ज्यादा हो रही है आज, चलो ये आ गया हमारे पास पहला सॉल्यूशन। सो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, देखो एक चीज ना ध्यान देनी पड़ेगी यहां पे, जो कि है क्या करेंगे, सभी की बाउंड्री वैल्यू हमने यहां पे यूज करी है
एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, इसमें हमने बाउंड्री कंडीशन डाल, और बच्चे क्या करते हैं यार इसमें भी डाल देते हैं एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, सी आ जाता है जीरो, जो कि गलत है क्योंकि भैया इस इंटरवल में आता है जीरो, इसमें थोड़ी आता है। अब भैया क्या करें, उस सी को भी तो हटाना है, उस सी डैश को भी तो हटाना है, कैसे हटाएं, क्या करें, एक काम करते हैं, ये दोनों सॉल्यूशन जो है एक्स इक्वल टू वन में तो टकरा रहे हैं, यहां पे एक्स मेरे ख्याल से इक्वल नहीं था, इक्वल नहीं है यहां पे, एक्स लेस देन वन, ये एक पे तो टकरा रहे हैं, मतलब यहां पे एक्स लेस देन वन है और दूसरे वाले सॉल्यूशन में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो इसमें वन पे डाल दो, वन डालेंगे अगर एक्स की जगह तो याद रहेगा वाई इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस वन, और उसमें वन डालोगे तो वाई की पावर सी डैश ई की पावर माइनस वन, विच इज दोनों को कंपेयर कर लो सी डैश ई की पावर माइनस वन, क्यों कंपेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि बोथ आर दी वैल्यूज एट एक्स इक्वल टू वन, हिंदी में बताओ भैया दो सॉरी तो दोनों ही ज्यादा अंग्रेज बन गया है ना, तो दोनों ही एक्स इक्वल टू वन पे, ठीक है, दोनों ही एक्स इक्वल टू वन पे वैल्यू आ रही है, ठीक है, ओ थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी चल रहा है मेरे साथ साथ, टू ई की पावर वन माइनस आ गया, बहुत 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 बढ़िया, e की पावर माइनस वन को नीचे भेजोगे तो सी डैश मेरा तो भैया ये आ गया e माइनस वन, अब खुद से एक बार चेक कर लेना है, तो दूसरा सॉल्यूशन जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है सी डैश की जगह ये आ जाएगा टू e माइनस वन e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन मेरे आ चुके हैं, इसको एक बार मैच कर लेना, एक ये आया है और एक ये आया है, दोनों सॉल्यूशन ऑप्शन में मैच कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, तो आई होप कि यहां तक तो कोई भी इशू ना हो। अब भैया क्वेश्चन चल रहे हैं मजेदार, ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन करके फील आ गई होगी, और मैं एक बार समरी तुम्हें इसको रब करते करते एक बार समरी भी बता देता हूं कि यहां पे मैंने क्या किया है, दो अलग अलग हमारे पास एक्स की वैल्यू, मतलब दो अलग अलग फंक्शन की वैल्यू दी हुई थी, दोनों में अलग अलग बाउंड्री कंडीशन करनी है यूज, एक्स इक्वल टू जीरो मैंने फर्स्ट में क्यों यूज किया, क्योंकि वो उस इंटरवल में लाई कर रहा था, और एक्स इक्वल टू वन मैंने दूसरे में क्यों यूज किया, क्योंकि दोनों में वो टकरा रहे थे, और जहां पे भी दो वैल्यूज टकराती है मैंने उस पर वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वेट करा, वहां से दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि 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 इसका एक और भी रीजन है यार छोटा सा, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा और डेप्थ में लेके चलूं, अब मैथमेटिक्स पढ़ा ही रहे हैं तो एक चीज मैं बता देता हूं, एक चीज मैं तुम्हें बता ही देता हूं, डिफरेंशिएशन क्यों कर पाए हम भाई, बिकॉज इट इज डिफरेंशिएबल, ये तो भैया ऑब्वियस सी बात थी यार, कैसे नहीं ऑब्वियस बात नहीं, ये डिफरेंशिएबल था, और अगर ये डिफरेंशिएबल है तो भैया कॉन्टिन्यूस भी तो होना चाहिए, अरे तभी तो डेरिवेटिव लिखोगे, तभी तो मैंने कॉन्टिन्यूटी यूज की, एफ की वैल्यू मैंने सॉरी वाई की वैल्यू मैंने क्या की वन पे निकाली, और दूसरी भी वाई की वैल्यू मैंने वन पे निकाली, इक्वल क्यों रख सकता था, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है और हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। हाँ मुझे पता है तुम्हें भी पता होगा कि डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन मतलब हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, ये चीज पता होगी तुम्हें ना, एक छोटा सा बेसिक बता दिया, और यहां पे मैंने तुम्हें एक और भी चीज बताई है कि भैया मैंने यहां पे कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन को यूज किया है, ठीक है, तो अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि भैया ये आपने क्यों किया इक्वेट, तो याद रखना साइड में कहीं नोटबुक में लिख लो आई हैव यूज्ड द कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वाई प्लस में वन बाय थ्री, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वाई प्लस में वन बाय थ्री वाई स्क्वायर, वन बाय थ्री वाई, वाई क्यूब प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब प्लस वन बाय टू एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट हमारे पास है डीएक्स, डीएक्स ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, एग्जैक्ट का लग रहा है मेरे को क्वेश्चन देखने से, तो वन बाय फोर एक्स प्लस में एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, चलो शाबाश, एक मिनट का तुम्हें समय दिया जा रहा है, चुपचाप कर लो एक बार, ध्यान से कर लो इसे एक बार, वो जल्दी से कर लो इसे ट्राई एक बार, कर लो इसे एक बार ट्राई, फिर मैं कराता हूं, कर लो इसे ट्राई, हो गया, चलो आ जाओ। सबसे पहला काम क्या होता है एग्जैक्ट के लिए, भैया हमें पता है एग्जैक्ट के लिए ये जो पूरी चीज होती है इसे बोलते हैं एम, और ये जो पूरी चीज होती है इसे बोलते हैं एन, ठीक है, डीवाई को छोड़ देना, इसे क्या बोलते हैं एन, और भैया फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं m का y के रिस्पेक्ट में, n का x के रिस्पेक्ट में, लेट अस सी, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो एग्जैक्ट है, नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है, और हमें बताना है क्या, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है,
भैया अगर इक्वल आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर हमें वो वाले केसेस याद करने पड़ेंगे, वो केस बताए थे ना वो जो अभी हम डेरिवेटिव करेंगे डिवाइड में एन लगाते हैं या फिर एम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन एक्स का या वाई का। सिर के ऊपर से निकल गए भैया, कराते हैं, आ जाओ साथ में करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में वन प्लस में वाई स्क्वायर, मेरा तो ये बन रहा है ठीक तो है। यहां पे डेल एन बाई डेल एक्स यह आ जाएगा वन बाय फोर वन प्लस में वाई स्क्वायर, या थोड़ा सा रहेगा बस यहां पे वन बाय फोर है, यहां पे वन बाय फोर नहीं है, वरना ये दोनों इक्वल आ गए। क्या करें क्या करें, एक काम करते हैं, एक काम कर सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सोचना पड़ेगा यार इसको अपने दिमाग में, ठीक है, अगर मैं डेल एम बाई डेल वाई करूं माइनस डेल एन बाई डेल एक्स करूं और अपोन में क्या रखूं, एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, सोचो अगर मैं ऐसे दिमाग में सोचते हैं, अगर मैं भैया इसको एन से डिवाइड कर दूं तो मेरे को ऐसे पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रही है कि भैया एंड में सिर्फ एक्स रह जाएगा, देखे करके देखे चलो नहीं हुआ तो यार क्रॉस डाल के दूसरा कर लेंगे, है ना भाई, इतनी सी तो बात, अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी का नाम तो होता प्रैक्टिस, गलतियां करना दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। चलो डेल एम बाय डेल वाई क्या है, वन बाय वन प्लस दिस वन बाय फोर वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वन बाय फोर एक्स, एक्स कॉमन ही ले लेते हैं, समझ गए होंगे तुमने मैंने क्यों किया, नीचे भी वन बाय वन प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है इसीलिए मैंने ये किया था, ठीक है। थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, वन बाय वाई स्क्वायर को कॉमन, वन प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, वन माइनस वन बाय फोर विच इज थ्री बाय फोर, लेकिन एक बार को पूरे लिख देते हैं x, तो मेरे ख्याल से यहां आएगा थ्री बाय फोर या वन बाय फोर, तो थ्री बाय एक्स आ जाएगा विच इज फंक्शन ऑफ x, तो कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेटिंग कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी पिछले क्वेश्चन में लिख के दिखाया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का मात्र यही सबसे सरल तरीका, dx विच इज e की पावर थ्री log x विच इज e की पावर log x क्यूब विच इज x क्यूब एंड दैट इज द फाइनल आंसर। जो भी होगा भैया उसे मार्क कर लेना, तुम्हें ऑप्शन में तो दिखाई दे ही जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ने वाला हूं और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना नोटबुक में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें सिखाने वाला हूं मैं तुम्हें, इसमें मैं तुम्हें बहुत सारी बातें सिखाने वाला हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब बहुत सारी तो नहीं, एक बात सिखाऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो लिखो वाई डबल डैश थ्री वाई डैश क्वेश्चन लिखो, वीडियो को पॉज कर लेना यार ईमानदारी से, मेरा कोई फायदा नहीं, e की पावर x ऐसा ही क्वेश्चन है ना, एक बार देख लेते हैं, हाँ और कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं, बस इसे सॉल्व करो आंसर बताओ बस इतना ही कहा, e की पावर x एक बार तो ट्राई कर लो, स्क्रीन पे भी वैसे तुम्हें दिख गया होगा ऑप्शन के साथ बट एक बार ट्राई कर लो, ट्राई कर लो अच्छे से, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, हो गया चलो आ जाओ शाबाश। तो इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू और पूरे के साथ वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। जिसको घबराहट हो गई ये देख के कि भैया डी क्या है, यहां पे डी एक ऑपरेटर होता है जिसे कहते हैं डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, बढ़िया बहुत अच्छे। इसके फैक्टर बनाऊंगा तो ये आएंगे डी स्क्वायर टू डी प्लस में डी प्लस में टू विच कम्स आउट टू बी, वो तुम्हें पता ही है यार दो चीजें लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन एक पर्टिकुलर इंटीग्रल, पता है ना दो चीजें, बट यहां पे हमारे पास क्या करना है, हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, ऑक्सिलरी की बात की नहीं हुई है, तो ये हमारे पास बन जाएगा डी प्लस टू और दूसरा बन जाएगा डी प्लस वन वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। एक एक स्टेप आराम आराम से करा रहा हूं, देख लो कहीं दिक्कत आ रही तो बता दो। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका क्या होता है भैया, पर्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब वाई ही होता है, अगर आप वाई को ऐसे लिख दोगे, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यार, हाँ भैया गुस्सा क्यों, मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तो लिखते हैं दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, पहले एक एक करके लगाते हैं ऑपरेटर क्योंकि यहां भैया पहाड़ पड़ा हुआ है तो ऐसे नहीं लगा पाएंगे डायरेक्टली, और तुम्हें मैंने क्यों कहा इंपॉर्टेंट अभी पता लग जाएगा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था एक और बार रिवाइज करा दू, साइन कोस एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल, साइन एक्स साइन एक्स होना चाहिए, मतलब साइन ए एक्स cos ax, e की पावर ax और पॉलिनोमियल कितने भी डिग्री का, अगर इनको छोड़ के
कोई भी और फंक्शन है, इनके भी क्वेश्चन लाया हूं मैं आज, बट इनको छोड़ के कुछ भी और आया तो वो वाला मेथड लगाएंगे जो अब मैं लगवाने वाला हूं, इसीलिए लिखवा तुम्हें वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके ना करा के, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस मैंने पहले भी करा दी, ये क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दिखाता हूं क्यों। तो एक रूल लिख लो भैया, रूल नहीं मतलब एक एक, एक फॉर्मूला लिख लो इनके अलावा क्या होता है, ठीक है। तो लिखो, अगर कभी भी हमारे पास आ जाए वन अपॉन में डी प्लस ए इंटू में एक्स, कुछ भी हो सकता है, एक्स बस फंक्शन एक्स का होना चाहिए, कैसा भी हो, टैन हो सकता है, सीकेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर एक्सपोनेंशियल की पावर है तो ज्यादा अच्छी बात है। यहां पहले ई की पावर माइनस ए एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू एक्स, एक्स ये वाला, ठीक है, कैपिटल एक्स, चाहे तो कोई और नाम भी दे देना, मेरे को ये पसंद आया तो मैंने ये दे दिया क्योंकि स्टैंडर्ड यही, ऐसा कुछ बन जाता है। और दो फॉर्मूले याद रख लो, फिर मैं इसे रब कर दूंगा। एक और याद रख लो कि कभी भी इंटीग्रेशन, ये तो वैसे ही बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ई की पावर एफ एक्स, अगर कभी भी इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा हो तो आंसर क्या आता है, आंसर हमारे पास यही आ जाता है, ठीक है, ई की पावर एफ एक्स, सॉरी ई की पावर क्या आ जाता है, एफ एक्स आ जाता है। ये हमारे पास ये दो चीजें यूज करनी है, इसको स्टार बना लो, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड जब आएगा तो सेव कर लिया करेंगे चीजों को, फिर तुम्हें पीडीएफ भी भेज देंगे, ठीक है, समझ गए। चलो आगे चलें, इसको मेरे को रब करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा कर दूं पक्का। चलो अब हमारे पास क्या बन गया, यह आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन बाय डी प्लस टू, वन बाय डी प्लस वन को तो अब ऐसे ही लिख देंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ए एक्स, तो आ जाएगा ई की पावर माइनस ए, तो यहां पर बनी माइनस के एक्स, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और मल्टीप्लाई में ये। याद रखना एक चीज मत भूल जाना, फिर से बोल देता हूं, यहां पे ई की पावर ए एक्स आता, अगर यहां टू होता तो यहां टू आता, यहां भी टू आता, ठीक है। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया क्या इसकी डिफरेंशिएशन यही नहीं है, ई की पावर एक्स की जो फंक्शन ऊपर पड़ा हुआ एक्सपोनेंशियल में उसकी डिफरेंशिएशन यहां पड़ी है। तो आंसर क्या था, सिंपल, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन बाय डी प्लस टू, ब्रैकेट में रह जाएगा e की पावर माइनस एक्स, इससे तो कोई लेना देना नहीं, इंटीग्रेशन के बाहर है, और इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x, मतलब e की पावर जो भी फंक्शन है यही आ जाएगा। देख लो कोई भी गड़बड़ लग रही है तो फटाफट मुझे बताओ, नहीं भैया इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं, पक्की बात है ना, एक और बार क्योंकि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ, इस बार हमारे पास क्या आएगा भैया, इस बार इंटीग्रेशन के बाहर क्या आएगा, ये पूरा एक्स आएगा, वो जो मैंने अभी कैपिटल एक्स माना था ना, ये वो है। इस बार इंटीग्रेशन के बाहर क्या आएगा, e की पावर माइनस टू एक्स, रीजन बताओ माइनस टू एक्स क्यों आया भैया। इस बार माइनस टू एक्स इसलिए आया क्योंकि यहां पे टू था, क्योंकि यहां पे क्या था, टू था, इस चीज का ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन, और भैया ये विद साइन लेना होता है, याद रखना, डी माइनस टू होता तो यहां प्लस आता, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया लेकिन समझ गए होंगे कि अगर यहां पे बीच में माइनस होता तो बाहर प्लस आता। e की पावर माइनस एक्स, e की पावर एक्स, देख लो फटाफट, डी एक्स, ठीक है, ये बन जाएगा e की पावर माइनस टू एक्स, ये बन जाएगा e की पावर टू एक्स, को इससे कंबाइन करोगे तो एक्स, e की पावर एक्स, फिर से ऊपर का डेरिवेटिव नीचे पड़ा हुआ है तो सेम ही फंक्शन आ जाएगा, तो e की पावर माइनस टू एक्स, e की पावर एक्स, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। मेरे ख्याल से तो इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा यार, देखो इससे ज्यादा तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं तो चला अगले क्वेश्चन, इससे ज्यादा मैं तो नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो प्रैक्टिस, ये तो मैंने लिखा था प्रैक्टिस, पहले मैंने श लिख दिया था, फिर मुझे याद आया कि प्रैक्टिस में तो एस साउंड करना है, तो एस बनाओ, ठीक है। चलो समझ भी आ गया ना, बहुत तेज तो नहीं करा रहा हूं फिर, ठीक है, हाँ बोल रहे हो तो मैं समझ लेता हूं कि समझ आ ही गया होगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन भैया तुम्हारी स्क्रीन पर, ₹250 के लिए ये रहा dy by dx, और वो ₹250 भी खुद को ही दे लेना, मैंने पास लिया भी बिल्कुल, साइन 2x y की पावर 1/3, कंडीशन भी भैया हमें दे रखी है y 0/0, मतलब x की वैल्यू 0 दे रखी है और y की वैल्यू भी 0 दे रखी है, जिससे हमें कोई कांस्टेंट मिलेगा शायद, पता नहीं अभी तो, y की वैल्यू बताओ
बताओ भैया वाई की वैल्यू, एक्स की तो भैया कोई वैल्यू नहीं हमारे लिए, एक्स की तो हमारे लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, अब वाई की निकालनी पड़ेगी। एक्स तो चली गई ना, एक्स तो एक्स हो गई ना, तो अब हमें वाई की वैल्यू बनानी पड़ेगी, तभी तो आगे बढ़ोगे जिंदगी में, ठीक है। तो वो बचपन में क्या करते थे, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्यों फाइंड करें किसी की एक्स की वैल्यू, वाई फाइंड आउट करेंगे हम, अब हम बड़े हो गए, अब हम वाई फाइंड, वाई। चलो ये हमारे पास इस जोक के बाद ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, कैसे करें भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई की पावर 1/3 डी वाई अपॉन में वाई की पावर 1/3 साइन 2x dx, तो ये देगा वाई की पावर -1/3 डी वाई इक्वल टू साइन 2x dx। चलो शाबाश, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो फटाफट, भैया ये तो आसान है। हाँ बिल्कुल, मैंने तो मुश्किल कहा ही नहीं से। तो ये आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू 2/3 अपॉन में 2/3 इक्वल टू माइनस के cos 2x अपॉन में 2 प्लस में c। देखना यहां तक कोई घपला तो नहीं लग रहा है, नहीं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा y की पावर 2/3 इक्वल टू माइनस के cos 2x माइनस के cos 2x अपॉन 3, क्योंकि 2/3 को यहां भेजोगे तो वो, और यहां पे आ जाएगा c 2/3 c। यहां तक देखो कोई इशू तो बता दो, मेरे ख्याल से यहां तक तुम्हें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, c की वैल्यू 0 डाल दो, नहीं c की नहीं, x की वैल्यू 0 डाल दो और y की भी 0 डाल दो। y की 0 डालेंगे तो 0, x की 0 डालेंगे तो माइनस के 1/3 प्लस में 2/3 इक्वल टू c। c की वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है 2। देखना तुम्हारी कुछ और तो नहीं आ रही, एक बार क्रॉस चेक कर लो इसे, गलती हो तो पकड़ के बता दो, गलती हो तो बता देना, 1/2 आएगी यार, वो मैं ज्यादा खुशी खुशी में बह गया था, तो 1/2 आएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है, c की वैल्यू वापस डाल दो, कहां डाले, इधर इधर इधर, 2/3 माइनस के cos 2x अपॉन में 3 प्लस में 2/3 1/2 व्हिच इज 1/3 आ गई, ठीक है। 1/3 को कॉमन ले लेना, तो 1/3 कॉमन आके बन जाएगा 1 माइनस cos 2x व्हिच इज 1/3 2 साइन स्क्वायर एक्स। अरे यही तो होता है फॉर्मूला यार, मेरे को तो यही याद आ रहा है। वाई की वैल्यू आ जाएगी क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर बच जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो 8 अपॉन 27 साइन स्क्वायर एक्स साइन 6x। और अगर मैं स्क्वायरिंग स्क्वायर पे अगर रूट बनाऊंगा तो वाई आ जाएगा प्लस माइनस रूट 8/27 साइन की पावर 3x। मेरे ख्याल से तो ये आंसर आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। 32 ये हमारे पास आंसर आ रहा है, तो भैया ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। बी सी, बी और सी दोनों इसके आंसर है, ठीक है, बी और सी दोनों इसके आंसर है। और अगर वो मान लो ऐसे भी दे देते ना, वाई इक्वल वाई जीरो, नहीं बस कुछ नहीं, वाई जीरो पे तो दे दिया उसने ना जीरो, वाई जीरो को सेटिस्फाई भी कर रहा है, फिर तो सही है, बहुत 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 बढ़िया, कुछ छूट तो नहीं रहा आंसर, नहीं फिर सही। तो ये हमारे पास भैया बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। इसके अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमें एक मजेदार दिखाई देना चाहिए, बस मेरे को एक बार दिख जाए कहां पे है वो, फिर तो हम उसे कर ही लेंगे। हाँ दिख गया, डी बाई डी एक्स बाय डी टी, जगह भी नहीं बची है, डी एक्स बाय डी टी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, डी एक्स बाय डी टी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, डी एक्स बाय डी टी एक्स स्क्वायर टी क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी क्यूब, मैं देख ले तो इक्वल टू ही है ना, नहीं हाँ ठीक है, प्लस एक्स टी, वेयर टी ग्रेटर देन जीरो सेटिस्फाइंग एक्स जीरो, टी ग्रेटर देन जीरो सेटिस्फाइंग एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स रूट टू,
वैल्यू ऑफ एक्स रूट टू। चलो बढ़िया, तो ये हमारे पास आ रहा है एक्स रूट टू की वैल्यू हमें बतानी है और ठीक है, हाँ ये सही है, करो शाबाश, एक मिनट का तो मैं समय दे रहे हैं, इसको कर लो ट्राई, फिर मैं कराता हूं। बढ़िया क्वेश्चन है, कर सकते हो, बस एक बार ट्राई कर लो, ट्राई कर लो अच्छे से एक बार, तो वीडियो पॉज कर लो, हो गया। चलो सबसे पहले तो पूरी क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तब ये क्वेश्चन होना था, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, डी वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू टी क्यूब प्लस में टी बाय एक्स, ऐसा कुछ बनेगा। इस टी को इधर लेके आ जाओ तो बन जाएगा वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी माइनस में टी बाय एक्स इक्वल टू टी क्यूब। तो अभी हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, अभी हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास क्या होगी, ये जो भी हमें दे रखा ना ये डी एक्स बाय वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी, इसको ना तुम डी जेड मान लो, डी जेड बाई डी टी या ऐसा कुछ, वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी को क्या मान लो, डी जेड बाय डी टी, डी जेड बाय डी टी, मतलब कहने का क्या है यार, तुम वन बाय जेड, वन बाय एक्स को क्या मान लो, जेड, वन बाय एक्स को क्या मान लो, जेड। तो अगर तुम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हो तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू डी जेड बाय डी टी। बस यहां पर माइनस का घपला हो रहा है, एक बार चेक कर लो यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, कुछ गड़बड़, या तो तुम इसके साथ माइनस लगा दो या तो तुम इसके साथ माइनस लगा दो, आई विल चूज दिस, इसके साथ माइनस भी आएगा ठीक है, क्योंकि मेरा माइनस आ रहा है और भाई तो तुम्हें पता गलत हो गए, हम तो गलत होंगे नहीं, तो डी जेड बाई डी टी माइनस के टी जेड इक्वल टू टी क्यूब, यहां से हमारे पास माइनस कॉमन ले लो तो याद रखिएगा डी जेड बाई डी टी प्लस में टी जेड इक्वल टू टी क्यूब ठीक है। या फिर तुम एक और काम भी कर सकते थे, माइनस वन बाय एक्स ले सकते थे जेड को, बट आंसर तो सेम ही आने वाला, कोई ऐसे गड़बड़ नहीं होगी इसमें ठीक है। टी जेड भैया आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में लेके आना था, अब ये हमारे पास सिंपल वही वाली फॉर्म बन गई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसी फॉर्म बन गई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसी फॉर्म बन गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई की पावर जेड, नहीं ई की पावर टी डी टी, इस बार टी है वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, टी है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो भैया हमारे पास आ जाएगा टी डी टी विच इज e की पावर टी स्क्वायर बाय टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। उसके बाद क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में जो भी यहां पे होता है टी क्यूब है यहां पे ठीक है, टी क्यूब इंटू डी टी प्लस में c। z हमारे पास कितना है, z हमारे पास है वन बाय एक्स, टी क्यूब कितना, टी क्यूब नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e की पावर टी स्क्वायर बाय टू इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोबारा टी स्क्वायर बाय टू, और फिर हमारे पास यहां पर टी क्यूब इंटू डी टी। भैया मैंने जेड को हटा दिया, जेड की जगह डाल दिया, अब जेड का काम खत्म हो चुका है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन बाय एक्स ई की पावर टी स्क्वायर बाय टू। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, टी क्यूब को कुछ मान लो आर मान लो, टी क्यूब को आर मान लो, नहीं रुको टी क्यूब को नहीं, कैलकुलेशन कर ले हम कैलकुलेशन, टी स्क्वायर को मान लो आर, टी स्क्वायर को आर मानोगे तो टू टी डी टी इक्वल टू डी आर और टी डी टी इक्वल टू डी आर बाय टू। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करने वाले हैं यहां पे, जो कि बन जाएगी ई की पावर टी स्क्वायर को हम मान के चले आर, तो ये आ जाएगा आर बाय टू, टी क्यूब को लिख सकते हैं टी स्क्वायर इंटू टी, फिर टी स्क्वायर को हम क्या मान के चले हैं आर, और एक टी डी टी बचेगा, टी डी टी को हम लिखेंगे डी आर बाय टू। बढ़िया, प्लस में सी तो चलेगा, ध्यान से देख लेना ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कैसे किया, वरना थोड़ा पंगा हो सकता है, लेकिन पंगा होने नहीं देते ठीक है। चल ध्यान से देख लेना भैया मैंने क्या किया, एक मिनट को वीडियो पॉज भी कर लेना चाहे तो, नहीं समझ आए तो, ये बन जाएगा वन बाय एक्स ई की पावर टी स्क्वायर बाय टू, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ मैं कर रहा हूं, जो कि मेरे को लग रहा है यहां पर माइनस भी आना चाहिए है ना, इक्वल टू में माइनस टी क्यूब था तो यहां माइनस भी आएगा, माइनस नहीं भूलेंगे फिर तुम्हें स्पेशल कमेंट करना पड़ेगा।
फिर हम इसमें कौन सा रूल लगाए, वो यू इन टू वी रूल लगा लो भैया, वो इंटीग्रेशन वाला। तो ये हमारे पास आ जाएगा पहला फंक्शन ऐसे ही e की पावर r बाय टू और इसका 1 बाय टू नीचे, यही तो होता है। माइनस में डिफरेंशिएशन पहले वाले की 1 हो जाएगी, e की पावर r बाय टू का क्या आ जाएगा, e की पावर r बाय टू अपॉन में 1 बाय टू इंटू में dr, यही तो होगी इंटीग्रेशन। एक और बार करता हूं, मतलब एक और बार इसकी कर दो, ये बन जाएगा x 1 बाय x e की पावर t स्क्वायर बाय टू इक्वल टू, ये बन जाएगा 2r e की माइनस 2r e की पावर r बाय टू, और अंदर जाके ये वाला माइनस इसको प्लस करेगा, 2 यहां से आएगा, एक और 2 आएगा इंटीग्रेशन करने पे, तो ये बन जाएगा 4। चेक कर लेना मैं कोई गड़बड़ ना कर रहा हूं, बाकी तुम्हारा भाई करता ही नहीं है गड़बड़। ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय x e की पावर t स्क्वायर बाय टू, r की वैल्यू t स्क्वायर थी वापस डाल दो, माइनस के 2 t स्क्वायर e की पावर t स्क्वायर बाय टू प्लस में 4 e की पावर t स्क्वायर बाय टू, t स्क्वायर बाय टू तो मेरे ख्याल से कैंसिल हो रहा है हर जगह से कॉमन लेके, बच जाएगा 1 बाय x माइनस 2 t स्क्वायर प्लस में 4, x की वैल्यू मेरे को सुंदर साधारण से दिख रही है 2 माइनस t स्क्वायर। चेक करना है यार एक बार 2 माइनस t स्क्वायर, एक बार चेक कर लो फटाफट, कुछ गड़बड़ हो रही है तो फटाफट निकाल लो, एक मिनट रुको, कुछ रह रहा है ना, क्या रह रहा है, अच्छा प्लस में सी भी, प्लस में सी है इसके साथ ई की पावर माइनस सी ई की पावर माइनस आर बाय टू रह जाएगा, प्लस में सी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर बाय टू रह जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में तो सी ही आएगा, यहां पे जाके कहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं लिख पाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस में सी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर बाय टू, ठीक है। और हमें क्या वैल्यू दी हुई थी स्टार्टिंग में, x की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 0, x की 1 डालेंगे तो ये 1, t की 0 डालेंगे खत्म, तो यादेगा 4 प्लस में c e की पावर 0 तो वन ही होता, e की c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 तो वापस डाल दो, तो x की वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है 1 बाय x इक्वल टू माइनस 2 t स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 3 e t स्क्वायर बाय टू, देखना एक बार इसको चेक कर लो क्या यही आ रहा हमारे पास, क्या यही आ रहा है हमारे पास, बढ़िया। अब मेरे को एक वैल्यू देखनी थी, इन्होंने शायद एंड में दी हुई थी, एक मिनट देना बस मुझे, कोई वैल्यू इन्होंने लास्ट में दी थी, कहां गया, हाँ एक्स रूट टू में वैल्यू बतानी, एक्स रूट टू में, चलो रूट टू पे डाल के देख लेते हैं, यह आ जाएगा 1 बाय एक्स, साधारण सा बन रहा, देखो ई की पावर माइनस 1 बचेगा, माइनस के 2, रूट टू का मतलब माइनस के 4, अरे रूट टू का स्क्वायर 2 ही तो होता है, प्लस में 4 माइनस 3 ई की पावर, रूट टू रखोगे तो रूट टू का स्क्वायर 2 ही होता है, कट जाएगा माइनस में, ये बचेगा x इक्वल टू 1 बाय 3 ई, नहीं रुको, इससे तो ये गया, माइनस भी बचेगा और 3 बच रहा है या नहीं बच रहा है, पर चेक कर लेना मैंने कुछ गड़बड़ रखी हो, इस 3 में मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, एक बार चेक कर लेना 4 कहां से आया था, एक बार जल्दी से देख लो कोई गड़बड़ लग रही है इसमें, तो एक बार जल्दी से चेक कर लो इसमें e की पावर में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो कहां पे गड़बड़ हुई है यार, गड़बड़ देखनी बहुत मुश्किल है, यहां पे हमारे पास आ गया इसमें, एक बार चेक कर लेना यार कुछ गड़बड़ लगी हो तो तुम, ठीक है मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन को, बट यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, अगर कोई गड़बड़ मिले तो मेरे को कमेंट बॉक्स में, वो तो मुझे पता है, नहीं भी मैं कहता तो तुम बता देते, बट ठीक है फिर भी एक बार को बता देना। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही होगी, यहां तक तो कोई इशू नहीं लग रहा है, बट फिर भी मिले तो यार जरूर बता देना आपको, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ना माइनस 1.3 इंटू 2.718 हमारे अकॉर्डिंग यार, बट फिर भी एक बार चेक कर देना, कोई गड़बड़ निकले तो जरूर मेरे को बता देना, बट टू सेव द टाइम मैं चल रहा हूं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारे को कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, थोड़ा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर पहुंच चुके हैं, ठीक है एक और स्टेप आगे चल चुके हैं,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के टू डी वाई बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के टू डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में आएगा हमारे पास e की पावर टू एक्स साइन। चलो ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत से ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है जल्दी से एक बार ट्राई कर लो, काफी इजी क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। कर लो वीडियो पोस्ट, जल्दी से कर लो एक बार को वीडियो पोस्ट, फिर हम साथ में करेंगे, मतलब मैच करना तुम कि सही है या नहीं, बाकी सही तो तुम्हारा होता ही है। हो गया, चलो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस टू डी, जैसा अभी लिखा था टू ई की पावर साइन एक्स ऐसा कुछ। फिर हमें पहले निकालना था पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि सबसे आसान काम है, डी स्क्वायर नहीं, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि सबसे आसान काम होता है। भैया पहले सोच लो कौन सा आसान काम होता है, हाँ यही पक्का सबसे आसान काम होता है, जो भी दिया हो ना ब्रैकेट में इसको इक्वल रख दो जीरो के, तो ये बन जाएगा, इसको एम मान लो, लेट डी इक्वल टू एम, तो बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस टू एम इक्वल टू जीरो। एम की वैल्यू दो आ गई हमारे पास, एक जीरो और एक टू, तो यहां से हम सोल्यूशन लिख सकते हैं वाई इक्वल टू सी वन ई की पावर, e की पावर तो कुछ आएगी नहीं, जीरो एक्स आ जाएगा, और दूसरा आएगा सी टू ई की पावर माइनस के टू एक्स, माइनस के ए एक्स, माइनस क्यों लिख रहे हैं यार, टू एक्स, ठीक है इस चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा। बढ़िया, e की पावर जीरो एक्स का मतलब तो सी वन ही रहेगा, बस यहां तक देख लो कोई इश्यू, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसे सी एफ लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब निकालना है पी आई, पी आई निकालना और भी ज्यादा इजी है, डी स्क्वायर माइनस टू डी ई की पावर टू एक्स साइन एक्स, मैंने ये दो वाले भी तुम्हें करा रखे हैं, पहले ई की पावर टू एक्स को इधर लेके आओगे तो ये, लेकिन हमें खर्चा करना पड़ता है डी में, क्या हो जाएगा अगर तुम ई की पावर टू एक्स को आगे लेके आओगे, तो यहां पर प्लस टू है ना ई की पावर, तो यहां भी प्लस टू हो जाएगा, डी में प्लस टू कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, थोड़ा सा रहेगा क्वेश्चन, ई की पावर टू एक्स वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस में टू प्लस में फोर डी प्लस में फोर माइनस में टू डी माइनस में फोर, इससे ये गया और बचा हमारे पास साइन एक्स विच इज ई की पावर टू एक्स वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस में टू डी, एक डी तो कॉमन ही आ जाएगा है ना, और साइन वाले का हमारे पास क्या साइन में कैसे यूज करते हैं हम, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी साइन ए एक्स होता है, वैसे ए तो यहां पर वन ही दिख रहा है एक्स का कोफिशियंट, तो यहां पर डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना होता है, माइनस ए स्क्वायर से, ए तो यहां पर वन है तो डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना होगा, माइनस के वन से। अब जिसको दिक्कत आ रही है थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है, ई की पावर टू एक्स डी स्क्वायर यहीं पर ही ऐसी रख, तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा साइन एक्स, ठीक है थोड़ा सा समझनी पड़ेगी चीजें, याद रहेगा e की पावर 2x 1 अपॉन में 2d माइनस 1 साइन एक्स। अभी यहां पे अगर 2d आ गया, मेरे को तो d स्क्वायर चाहिए, तो क्या करो भैया, एक काम करो अपने से रैशनलाइज कर लो, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, रैशनलाइज करने से e की पावर 2x इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2d प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 1 साइन एक्स, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2x 2d प्लस 1 और डी स्क्वायर की जगह दोबारा माइनस वन डाल दो तो नीचे आ जाएगा माइनस के फाइव। अरे डी स्क्वायर की जगह माइनस के वन डालोगे तो माइनस के फाइव आ जाएगा ना, तो माइनस के फाइव को बाहर निकाल दो। अभी भी साइन एक्स को आगे नहीं ला सकते क्योंकि अभी टू डी प्लस, जब तक डी खत्म नहीं होगा साइन नहीं आगे ला सकते ई की पावर टू एक्स। एक बार डी लगाओगे, डी का मतलब डिफरेंशिएशन, साइन की क्या आ जाएगी टू कॉस एक्स, और वन लगाओगे तो कितना आ जाएगा साइन एक्स। देख लो यहां तक हम पहुंच गए, इसके मैं एक बार ऑप्शन भी चेक कर लेता हूं क्या थे हमारे पास, मेरे को लग रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी, सी टिक करते हैं, ठीक है तो सी ऑप्शन मेरे पास यहां पर ट्रू आ गया है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम नेक्स्ट, थोड़ा इसमें रब करने का इश्यू रहता अगर मैं जितना पॉसिबल हो सके इसको कट कर दूंगा, ठीक है हमें दे रखा है वाई एक्स वाई प्लस वाई e की पावर एक्स वाई
प्लस वाई ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और दे रखा है एक्स प्लस ई की पावर एक्स, एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स डी वाई ई की पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, ये हमें दे रखा है। ठीक है, आंसर बताओ, आंसर बताओ। नहीं 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 नहीं, कंडीशन भी दे रखी है वाई जीरो पे, कंडीशन तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। वन और वाई माइनस वन की वैल्यू शायद हमें बतानी है, वाई माइनस वन की वैल्यू बतानी है, हाँ यही है, वाई माइनस वन की वैल्यू हमें बतानी है। चलो शाबाश, हो जाते हैं शुरू, काम पे लग जाते हैं। एक बार को ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करके, सिंपल सा ही है, थोड़ा अलग अलग कर लेना तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में से ले आओ, क्योंकि ना तो ये हमें होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही है, अगर होमोजीनियस इक्वेशन होती तो भैया मैं इसमें वाई को यूवी पुट कर देता, याद है कुछ मैंने बताया था होमोजीनियस का। ठीक है चलो करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। ये बन जाएगा हमारे पास डीवाई वाले डीवाई बाई डी एक्स मुझे बनाना है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, थोड़ा इधर उधर लेके जाओगे चीजों को, तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा माइनस के एक्स वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स। देखना ऐसा कुछ बन जाएगा, चेक कर लो एक बार, मेरे ख्याल से तो ऐसा बन जाना चाहिए। इसमें भी यार अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, अगर तुम बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक देखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें से अगर वाई कॉमन ले लू तो यह बच जाएगा एक्स प्लस वन वाई अपोन में एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, यहां बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपोन में एक्स ई की पावर माइनस एक्स। इसको इधर लेके आ जाओगे तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो लीनियर इक्वेशन मेरे को बनती हुई दिखी है तो मैं इतना एक्साइटेड हुआ हूं। अरे यार, और साथ में वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस भैया आपने एक के साथ ही क्यों लगा, दोनों के साथ लगाओ, तो एक्स ई की पावर माइनस एक्स। यहां तक चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई इश्यू आ रहा है तो बताओ। नहीं भैया आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है निकाल देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट मैं फोन चेक कर लूं, पता चले वीडियो बंद है। नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ये पूरा तामझाम इंटू में डी एक्स। दूसरा काम क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स नीचे से कॉमन ले लो, तो ये हमारे पास बच जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस वन e की पावर माइनस एक्स बचेगा e की पावर x प्लस वन, और ये e की पावर x ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसी शेप ले लेगा, तो दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। यहां पे एक और x आएगा, ठीक है। देखो मेरे ख्याल से तो दिखने में कुछ ऐसा लगने वाला है हमें। एक काम करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर सा लग रहा है ना, ये जो भी डिनोमिनेटर सा दिख रहा है हमें, इसको एक काम करो टी पुट कर दो, क्या होगा भैया फायदा उससे, देखते नहीं हो, मैं तो ऐसे ही गैस किया, नहीं हुआ तो कुछ और देखेंगे। तो e की पावर x e की पावर x प्लस में वन इक्वल टू टी, तो यहां से बन जाएगा x e की पावर x u इन टू बी रूल प्लस में x का वन हो जाएगा e की पावर x का एक्स वन का जीरो इंटू में dx इंटू में dx इक्वल टू dt। ये तो यार पूरा न्यूमिरेटर ही बन गया, इसमें से e की पावर x कॉमन लोगे तो न्यूमिरेटर ही बन गया, तो ये आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ये पूरा dt अपॉन में ये क्या है t, ये आ जाएगा e की पावर log t। ठीक है, log से t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा t, और t में जो मान के चला था वो था x e की पावर x प्लस में वन। मेरे ख्याल से यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, आप लास्ट स्टेप लिख दो, बाकी संभाल लेंगे हम। ठीक है संभाल लेना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में वाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू में जो भी यहां पे होता है, कहां गया ये पार्ट, इसको क्यू मान लेते हैं, इनटू में डीएक्स प्लस में सी। चलो चलो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x e की पावर x प्लस वन। क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि वो तामझाम सा तो रबी हो गया, e की पावर माइनस एक्स e की पावर
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में वाई इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस वन, जहां तक मुझे याद आया वो यही था, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज एक्स ई की पावर एक्स प्लस वन इंटू में डीएक्स प्लस में सी। देखना मैं तो यहां तक पहुंचा हूं और इसकी बस इंटीग्रेशन करनी रह गई और अपना काम हो जाएगा, फिर अपना काम हो जाएगा, जो कि किसी भी एंगल से पॉसिबल तो नहीं लग रही है, बट करना तो पड़ेगा। लेट्स सी कि हम कर पाते हैं इसे या नहीं। अंदर भेज दो इसे, तो एक्स ई की पावर एक्स प्लस वन इंटू वाई, ये बन जाएगा एक्स ई की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस वन, ये तो बचेगा इंटू में डीएक्स प्लस में सी। देख लो एक बार, यही था ना यार, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। सो यहां पर ध्यान से देखेंगे, मैंने ही गड़बड़ कर रखी थी, मैंने कहा ना ये रब कर दिया तो मेरे को निकालने में थोड़ी देर लग गई, नीचे भी यही था एक्स ई की पावर माइनस एक्स, एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, चाहे तो चेक भी कर लेना, मैंने अभी चेक किया है तो मेरा तो यही आ रहा है एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यही था यार नीचे, तो ये कट के वन आ जाएगा, तभी मैं सोचू यार दिक्कत कहां पे आ रही है, और साथ में कुछ और भी था, माइनस साइन भी था, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स ई की पावर एक्स प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू माइनस के, ये तो वन ही बच जाएगा पूरा कट के, तो वन की होती है एक्स प्लस में सी, वाई हमारे पास आ जाएगा माइनस में एक्स प्लस में सी अपॉन एक्स ई की पावर एक्स प्लस वन। कुछ कंडीशन भी हमें दी हुई थी, वो कंडीशन में देख लेता हूं, कंडीशन हमें दी हुई थी कि y की वैल्यू कितने गई, y की वैल्यू हमारे को दी हुई है, कहां गया रे, y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू वन, तो ये वन, x को जीरो पुट करेंगे तो c बचेगा, नीचे वन बचेगा, तो c की वैल्यू भी वन आ गई है, तो y हमारे पास आ जाएगा माइनस के x प्लस में वन अपॉन में एक्स ई की पावर एक्स प्लस वन, और एक्स हमें चाहिए माइनस वन पे, हाँ एक्स माइनस वन पे चाहिए, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, एक्स वैल्यू माइनस वन डालोगे तो ऊपर टू, माइनस वन प्लस वन, और ये आ जाएगा माइनस के ई की पावर माइनस वन प्लस में वन, और जो कि हमारे पास अगर मैं ई की पावर माइनस वन कॉमन ले लूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, जिसे तुम खुद से वेरीफाई करने वाले, ये बन रहा है मेरे को, एक बार फिर भी इसे चेक कर लेना, कोई भी गड़बड़ आए तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है, यहां तक देख लो। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि है dy by dx is equal to dy by dx is equal to y माइनस वन y माइनस थ्री और कहा हुआ है सेटिस्फाइंग y जीरो टी दिया हुआ, टू दिया हुआ है, और हमें क्या कहा हुआ है, तो इनमें से हमें एक चीज बतानी, और ये चीज ध्यान रखना, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे तो घबराने वाली कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ तो ये हम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, यहां आ जाएगा डी वाई बाई वाई माइनस वन, कभी कभी फैक्टर बने हुए सही नहीं भी होते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में तुम्हें दिखाया जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई स्क्वायर माइनस के फोर वाई प्लस में थ्री इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएक्स, यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन, मेरे को ना इसको वो वाली फॉर्म में बनाना है, वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म में बनाना है, तो क्या करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं, एक काम करता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस में फोर माइनस में फोर प्लस में थ्री इक्वल टू एक्स प्लस में सी, जो कि बन जाएगा डी वाई अपॉन में वाई माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस में वन इक्वल टू एक्स प्लस में सी, ठीक है, और इसकी क्या इसमें हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स क्या होता है, वन बाय टू ए लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ऐसा कुछ पड़ा हुआ ना, वही हमारे पास, सॉरी ऊपर आ जाएगा माइनस ए नीचे प्लस ए, ठीक वही वाला फॉर्म मैं यहाँ पे लगाने वाला हूं, तो वन बाय टू ए की वैल्यू वन है यहाँ पे, तो लॉग वाई माइनस टू माइनस वन वाई माइनस टू प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी, यहां तक कोई इश्यू हो तो देख सकते हैं, ठीक है आगे चलते हैं।
तो ऊपर बन जाएगा वाई माइनस के थ्री, और टू तो उधर ही भेज देंगे तो ये बन जाएगा लॉग वाई माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी। लॉग इधर जाके क्या बन जाएगा वाई माइनस थ्री वाई प्लस माइनस वन, लॉग इधर जाके ई की पावर एक्स, ई की पावर ये ई की पावर सी मेरे को यहां बढ़िया नहीं लग रहा, मैं इसको ऐसे सी लिख लेता हूं, बात एक ही है ठीक है। अब मैं पहले एक बाउंड्री कंडीशन यूज कर लेता हूं जो भी उन्होंने दी थी, वरना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं वाई की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू नहीं, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू टू डालने वाला हूं। तो वाई की वैल्यू टू डालोगे तो ऊपर बन जाएगा माइनस के वन, नीचे बन जाएगा वन इक्वल टू सी की पावर जीरो वन होता है, सी की वैल्यू माइनस वन आ चुकी है। तो वाई माइनस थ्री वाई माइनस वन इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। सो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा वाई माइनस थ्री इक्वल टू, पहले एक काम करते हैं इसमें बाउंड्री कंडीशन नहीं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही सही रहेगा। वाई माइनस थ्री इक्वल टू माइनस के वाई ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर एक्स, वाई वाले एक तरफ करोगे तो बन जाएगा वन प्लस ई की पावर एक्स और यहां बन जाएगा थ्री प्लस ई की पावर एक्स। y की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस नहीं थ्री प्लस ई की पावर एक्स और यहां बन जाएगी वन प्लस ई की पावर एक्स, विच इज अगर तुम इन्फिनिटी डालोगे तो क्या होगा, सॉरी पहले x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो क्या होगा, e की पावर x की जगह माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, दिस विल अप्रोच टू थ्री। लेकिन हम इन्फिनिटी डायरेक्ट नहीं डाल पाएंगे, इन्फिनिटी के लिए पहले फंक्शन मॉडिफाई करना होगा, e की पावर x दोनों साइड से कॉमन ले लो तो यहां आएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस वन, e की पावर माइनस एक्स प्लस वन, e की पावर x को अगर तुम कॉमन लोगे तो। अब तुम लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर देना और ये बन जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस पहले ही है इन्फिनिटी जीरो, तो ये पूरा जीरो, ऐसे ये भी जीरो, बचेगा क्या वन, तो इसकी वैल्यू वन आती है। तो बी सी डी, बी भी ऑप्शन होगा, ये बाउंडेड भी आ गया है, चेक कर सकते हो मैंने तीन ऑप्शन दिए थे, बाउंडेड भी आ गया। तो B, C, D थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट एंड दैट इज द फाइनल आंसर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। सो आई होप कि आज की वीडियो तुम्हें, आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सो पसंद आया तो अपना कीमती सजेशन या फिर कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, और भी कुछ पूछना हो तो आई एम ऑल्सो ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। अपनी साइड से पूरा पॉसिबल जितना हो सके मैं रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा, कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ढेर सारी मेहनत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।